Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing extremely good. And आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यूजफुल किचन आइटम्स. येस यू हियर इट राइट. क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो भी हाउस वाइव्स हैं या फिर जो भी बाहर जॉब भी करती हैं तो उनके लिए जब किचन सॉर्टेड रहे, किचन में सभी चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहे तो बहुत ज्यादा हेल्प होती है. एंड कुछ आइटम्स जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सभी ना मैं यूज कर रही हूँ. सो आई नो कि सारी चीजें यूजफुल हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने ऑर्डर किया और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एंड आई डोंट नो अबाउट द क्वालिटी, आई डोंट नो अबाउट द यूसेज और आई नो बिकॉज आई एम यूजिंग ऑल दीज आइटम्स. तो किस तरीके से यूज में आएंगी और कितना ज्यादा यूजफुल है बस यही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी. तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो. सो फर्स्ट आइटम जो होने वाला है वो है जूट ऑर्गेनाइजर्स. तो कुछ इस तरीके के सेट में आता है. ये तीन के सेट में आता है, 1, 2 एंड एक और साइज आता है 3. ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, यूजफुल है. पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, क्वालिटी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है. इस तरीके से कुछ ब्रेडेड होके आता है ये एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का लगा हुआ है और ये बहुत ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी में काफी अच्छा स्पेस है. आप देख सकते हैं स्पेशियस है. वैसे तो आप इसको मल्टी वेज में यूज कर सकते हैं. आप इसको अपने वैनिटी में रख सकते हैं, इसके अंदर अपने परफ्यूम्स रख सकते हैं, अपना मेकअप किट रख सकते हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, आई शेडो हो गए, लिपस्टिक को भी अगर आप इस तरीके से खड़ा करके इसके अंदर रखेंगे ना तो आपकी लिपस्टिक्स काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे. आप नेल पेंट्स रख सकते हैं. तो वैसे ही मल्टीपर्पज आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजर है, आप कहीं पर भी इसको रख सकते हैं. बट इसको मैं यूज करती हूँ किचन में. तो आप देख सकते हैं इस तरीके के, इसमें ये 3 का सेट आता है. बहुत ही अच्छे हैं, काफी अच्छा आप देख सकते हैं स्पेस है इसमें. अब मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये सारे ही आइटम्स जो भी मैं आपको दिखाऊंगी सारी आइटम्स मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड किस तरीके से यूज कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. इसीलिए मैं एक लेके आई हूँ ऐसा ही जिसमें जो कि मैं जिस तरीके से यूज करती हूँ. सो किचन कैबिनेट के अंदर ना ये जो तीनों है, तीनों को मैं इस तरीके से रख देती हूँ एंड क्या है कि सपोज ये जैसे दाल वगैरह आती है तो स्टॉक करके रखती हूँ मैं हमेशा ना. मेरा ऐसा है कि हर एक चीज लाइक जितना मेरे जार्स में रहेगा मेरे पास स्टॉक भी रहेगा. जैसे कि ये दालें वगैरह हैं तो मैं जो स्टॉक वाली चीजें होती हैं वो इस तरीके से इसमें रख देती हूँ. ये ओट्स हो गया या फिर ये मसाले हो गए. तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए आप अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना तो बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा. बिकॉज आप जब भी वैनिटी ओपन करेंगे अपना लाइक किचन ड्रॉअर ओपन करेंगे तो सिंपली आप इसको ऐसे पुल करेंगे और आपको सारी चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें दिख जाएंगी और आप बहुत इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं. आपको जो भी चाहिए आपको सामने से दिख जाएगा बिल्कुल. सो इसी तरीके से मैं इसमें मसाला रख के लेके आई हूँ. बाय द वे मेरा ये वाला जो है, एक सेकेंड, ये वाला जो है थोड़ा सा छोटे वाला, ये सबसे छोटा साइज ये वाला है. तो इसमें ना मैं मसाले रखती हूँ लाइक एक्स्ट्रा मसाले, लाइक ये राजमा मसाला हो गया. इस तरीके से बहुत सारे मसाले मैं इस तरीके से खड़ा करके रख देती हूँ तो आप देख सकते हैं इतना ज्यादा अच्छा लगता है. सपोज यहाँ एक मसाला हो गया, यहाँ पे इस तरीके से आप रख देंगे तो ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा. अब आपको सपोज कुछ भी चाहिए तो आप इस तरीके से बाहर निकालेंगे तो आपको सब कुछ डिस्प्ले में दिखेगा, आपको एक्सेस करने में ईजी हो जाएगा. तो ये ना बहुत ज्यादा यूजफुल आइटम है. तो मैं इस तरीके से रख के ना इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे यूज कर सकते हैं. तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं किचन में. तो आप अपने जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स होंगे, एक्स्ट्रा जो भी आप स्टॉक करके रखते हैं, नमक रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं, मसाले रख सकते हैं, या फिर जैसे हम ओट्स हो गया, मैगी हो गए बच्चों के लिए और बाकी चीजें हम इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं तो काफी सुंदर भी लगेगा है ना और ऑर्गेनाइज भी रहेगा. तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है और इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिकमेंडेशन की तरफ जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है और वो है ये कुछ इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्सेस हैं. नाउ यू विल थिंक कि ये क्या है प्लास्टिक बॉक्स, बट ये बहुत ज्यादा यूज में आता है. ये फ्रिज के लिए है ऑर्गेनाइजर्स. ब्रूनी, ये फ्रिज के लिए ऑर्गेनाइजर्स हैं और ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाते हैं एंड देन उसके बाद ना यहाँ पे आपको इस तरीके का मिल जाता है. ये क्यों दिया गया है मैं बताती हूँ आप लोगों को. इसके नीचे ना ये स्टैंड है,
यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्टैंड जैसा आपको दिखेगा, सो दैट आप जब इसको प्लेस कर देंगे तो आपकी सब्जी जो भी मॉइस्चर क्रिएट करेगी फ्रिज के अंदर तो वो वेजिटेबल्स को खराब नहीं करेगा, मॉइस्चर आपका नीचे बैठ जाएगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें आ जाएगा और आपकी वेजिटेबल्स बिल्कुल फ्रेश एंड बहुत ही अच्छे से रहेगा। ये मैंने सेट ऑफ 4 में मंगाया था, आप चाहे सेट ऑफ 6 में ले सकते हैं, सेट ऑफ 2 में भी ले सकते हैं, सेट ऑफ 8 में भी ले सकते हैं, तो बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं। मैंने सेट ऑफ 4 में लिया था, आई थिंक 2 कम हो जाएगा, 8 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अगर लेके देखना चाहते हैं, सेट ऑफ 4 आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो आप इसमें ना बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक्चुअली मैं इन बॉक्सेस में क्या रखती हूँ। एक तो मैं खाली लेके आई हूँ तो मैं आपके लिए रिव्यू कर सकूं, आपको दिखा सकूं, क्वालिटी अच्छी है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बिकॉज हमें सिर्फ वेजीज ही रखनी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो फ्रिज के अंदर ना बहुत अच्छे से, मतलब जगह भी ज्यादा नहीं लेता है और बहुत अच्छे से आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो स्टोर भी हो जाती है। नाउ लेट मी शो यू कि मैं कैसे रखती हूँ। सो अब आप देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि मैंने इसमें हरी मिर्चियाँ रखी है इस तरीके से, तो ये ना इतना इजी टू एक्सेस हो जाता है। ऑल्सो बहुत अच्छी चीज ये है कि देखिए, है ना, तो इस तरीके से आप रखें, कितने फ्रेश लग रहे हैं। जब भी इस तरीके से हरी मिर्ची आती है तो मैं बस इसका ही जो ऊपर का है ना ये तोड़ के इसमें सारा सेट कर देती हूँ और ये बिल्कुल ऐसे रिफ्रेशिंग रहता है, बिकॉज जो नीचे की ट्रे है ना वहां पर एक मॉइस्चर रहता है और वो बहुत अच्छे से इसको फ्रेश रखता है। तो फ्रिज में जब हम इस तरीके से रखेंगे लॉक करके तो ये बहुत, एक तो स्पेस कम लेगा और क्या होता है, बहुत सारे लोग ना जैसे सब्जियां आती हैं वो पॉलीथिन में बंद की आती हैं तो वैसे ही फ्रिज में रख देते हैं, विच इज वेरी वेरी बैड, बिकॉज जो पॉलीथिन होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी चीजें नहीं है, जो कि बैन बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बहुत रीजन्स में हो भी चुकी है, बट फिर भी ना सब्जियां आप देखें कि वो वैसे पॉलीथिन में ही आती हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज ऐसा ना करें, बिकॉज वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, उनको फ्रिज में तो बिल्कुल ना रखें। जैसे आपकी वेजिटेबल्स आती है उनको क्लीन करके आप ऐसे बॉक्सेस में स्टोर करके रख सकते हैं, एक तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, आपको इजी टू एक्सेस हो जाएगा, ऑल्सो ना जगह कम घेरता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, और आप देख सकते हैं ये बॉक्स भी मैं लेके आई हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए ना इजी हो जाएगा देख के समझना कि कैसे रखें। तो आप देख सकते हैं एक में मैंने ये मिर्चियां रखी हैं, एक में मैंने ये टमेटोज रख दिए हैं क्लीन करके बिल्कुल अच्छे से, और फिर मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अब मैं अगर इसको ऐसे करके रख दूंगी फ्रिज के अंदर, आप देख सकते हैं, है ना, आपका फ्रिज अच्छा भी लगेगा, ऐसे ऐसे करके डलता है ना फ्रिज के अंदर, इस तरीके से जाता है, आपको दिख रहा है कि इसमें हरी मिर्चियां हैं, इसमें टमेटो है, जो चाहिए वो आप इजी टू एक्सेस भी कर सकते हैं। ऑल्सो इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगा तो आप हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे घर पे कोई भी हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी अगर फ्रिज में से कुछ भी निकाल के यूज करना चाहता है तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से, और सब्जियां ना खराब भी नहीं होती जल्दी से, बिकॉज बहुत अच्छे से लॉक होके रहती हैं, ऑल्सो मॉइस्चर भी प्रोवाइडेड रहता है। तो सिर्फ इतनी सी जगह लेता है ये फ्रिज के कॉर्नर में, एंड कितनी सारी सब्जियां आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप इनको जरूर से ट्राई कीजिए। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ, थर्ड आइटम की तरफ, विच इज दिस। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, वेरी मतलब मैं क्या बोलूं आपको कि पहले क्या होता था कि जैसे ऑयल बॉटल में करके आया, वो जो छोटे छोटे पी मार्क वाले जो ऑयल्स आते हैं 1 लीटर के, वो आते थे और उन्हीं से मैं बॉटल से यूज कर लेती थी। एक तो वो किचन में दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, ऑल्सो आपके पास अगर इस तरीके का ऑयल डिस्पेंसर होना, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप इसमें बहुत सारा ऑयल एक बार में स्टोर करके इसमें रख सकते हैं। ये यहां से खुलता है, अब इसमें ऑयल है तो मैं पूरा खोलूंगी नहीं, इस जगह से ये इस तरीके से खुल जाता है, एंड दिस इज द कैप। आप ये देखिए, तो यहाँ पे आपको ये नोजल मिल जाता है कुछ इस तरीके का, और आप अच्छे से इस तरीके से पोर करके अपना कुकिंग कर सकते हैं। बहुत इजी टू हैंडल है, इजी टू एक्सेस है, एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये स्टील की है। नाउ बहुत सारे वेबसाइट्स में या बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है ग्लास ऑयल डिस्पेंसर्स, वो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो वो ना बहुत ज्यादा हैंडी नहीं है। क्या होता है, जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हाथ कहीं ना कहीं हम बहुत बार हैंड वॉश कर रहे होते हैं, हाथ गीले रहते हैं, या फिर हम ऑयली कोई चीज पकड़ लेते हो तो हाथ ऑयली भी रहते हैं, स्लिपरी भी रहते हैं। ऐसे में अगर हमारे पास ये स्टील का बॉटल है, सपोज
इन केस मेरे हाथ से छूट भी जाता है तो ये अगर प्लेटफॉर्म पे टच भी होता है तो ये टूटेगा नहीं, है ना, और हमारा ऑयल जो वो वेस्ट नहीं होगा। बट अगर सपोज हमारे हाथ में वो ग्लास कंटेनर, ग्लास का ऑयल डिस्पेंसर है, एंड मेरे अगर हम बहुत ट्रेंड भी है, हमारे बच्चे यूज करना चाहते हैं, हमारे हस्बैंड या कोई भी है जो कोई थोड़ा उठा के रखना चाहता है, यूज करना चाहता है, एंड हाथ से सडनली स्लिप हो जाए, तो अगर ग्लास ऑयल डिस्पेंसर है तो वो गया बिकॉज वो प्लेटफॉर्म पे लगेगा एंड वो क्रैक हो जाएगा। तो कहाँ क्या होगा, एक तो आपका काम बढ़ जाएगा, दूसरा आई नो बिकॉज आई एम हाउसवाइफ, आई नो कि क्या होता है कि एक तो काम बढ़ जाएगा, आपका ऑयल टोटल वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर इस तरीके का गुड क्वालिटी स्टील है, ये अगर आप स्टील का ये लेते हैं तो अब इसको कोई भी फ्री हैंडेडली यूज करेगा तो कोई डरने की जरूरत नहीं है कि टूट जाएगा या कुछ भी है। हाँ, रही बात की अगर आपको चाहिए कि बहुत ज्यादा यू नो शो लगे तो वो ग्लास वाले बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। बट अगर हम यूजफुल की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये जो वीडियो है वो यूजफुल किचन आइटम्स की है, तो फिर मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप उधर ब्यूटी की तरफ ना जाएं, आप ये देखें कि ये ज्यादा यूजफुल है। स्टील का है, गिरेगा नहीं। अच्छा, ये प्लास्टिक है, ये ग्लास नहीं है, कहीं आपको लगे कि मैं इतना ग्लास के अगेंस्ट बोल रही हूं, मैं अगेंस्ट नहीं बोल रही हूं, आप चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरीके के स्टील के जो ऑयल डिस्पेंसर्स हैं इनमें इन्वेस्ट करें। आप इसको सेट ऑफ टू में ले सकते हैं, ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने फोर्थ आइटम की तरफ, अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ, और ये भी काफी ज्यादा यूजफुल है। ब्रूनी बहुत ज्यादा हिला रही है। ओके, तो क्या होता है जब हम कुकिंग करते हैं, मैंने बहुतों के किचन में देखा ये चीज, आप भी रिलेट करेंगे अगर आपके पास भी है तो। क्या होता है ना, ओके, तो जो नेक्स्ट आइटम है ना वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैंने बहुतों के किचन में देखा है कि लाइक जब खाना गरम 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 जब खाना बनता है और हम उसको उतारने की कोशिश करते हैं गैस के ऊपर से, तो कुछ भी रैंडम सा कपड़ा पकड़ लेते हैं, लाइक उनके अपने अपने कुर्ताज या फिर कुछ भी यू नो कट करके रख लेते हैं, एंड या फिर कोई टॉवल वगैरह किसी से भी इस तरीके से पकड़ते हैं एंड उसको रख देते हैं। आप कर सकते हैं, अगर आप वो करना चाहें आप कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरीके के इनको क्या बोलेंगे हम, होल्डर्स आप कह सकते हैं, यूटेंसिल होल्डर्स, आप इस तरीके की चीजों पर इन्वेस्ट करें। बिल्कुल इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा ये अफोर्डेबल है, और इस तरीके के किचन आइटम्स अगर आपके किचन में रहेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए, एक तो दिखने में किचन अच्छा लगेगा, आपको यूज करने में अच्छा लगेगा, ऑल्सो ये काफी थिक है तो आप जब इससे ना अच्छे से अपने यूटेंसिल्स होल्ड करेंगे बिल्कुल भी गर्म नहीं लगने वाला है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ सेट ऑफ फोर, इसके जो बाकी दो हैं, एंड ऑल्सो इसमें ना कुछ इस तरीके के हुप्स दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो आप किचन में ना इस तरीके से हैंग करके भी रख सकते हैं। सपोज आपने किसी वॉल पे इस तरीके से हैंग कर दिया तब भी ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। किचन में ना जब कुछ अच्छी अच्छी चीजें ब्यूटीफुल चीजें रहती हैं, ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन रहता है किचन, तो खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है, काम करने में अच्छा लगता है, तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट आइटम है ना वो आने वाले टाइम यानी कि समर्स के लिए है, अभी बस समर्स आने ही वाली है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे बड़ा जिद करते हैं आइसक्रीम्स वगैरह की ना, उनको आइसक्रीम बड़ा पसंद आता है, तो ये है आपके लिए नेक्स्ट यूजफुल आइटम। तो आप क्या कर सकते हैं ना, ये बहुत अच्छा, एक तो कलरफुल है, तो छोटे छोटे बच्चे अगर आपके घर में तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, साइज काफी अच्छा है तो काफी अच्छे साइज की आइसक्रीम बन के निकलेगी, और कुछ इस तरीके का है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आपके आइसक्रीम बन जाएगी तो इस तरीके से आप पकड़ के, आप इसको इस तरीके से पकड़ के निकाल सकते हैं, वेरी इजी टू हैंडल, वेरी इजी टू एक्सेस, एंड ये काफी अच्छी क्वालिटी में कलरफुल है तो बहुत प्यारा भी लगता है। और आप क्या कर सकते हैं समर्स में ना, अगर आप कंडेंस मिल्क लाके और थोड़ा बहुत यू नो कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके एक अच्छा सा कुछ मिक्सचर बना के और फिर आप जमा दें बच्चों के लिए, फ्रीज कर दें, तो एक टेस्टी सी आइसक्रीम, होममेड टेस्टी आइसक्रीम बच्चों खाने को मिल जाएगी। आप इस तरीके से ऑल्टरनेटिव डेज में बनाकर खिला सकते हैं, तो एक तो घर की बनी हुई होगी तो उनको नुकसान ज्यादा नहीं करेगी, आप खुद बना के देंगे। ऑल्सो आप इसमें कई सारे फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि घर पे है तो हमारी मर्जी है, हम कुछ भी फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, तो आपको जो फ्लेवर चाहिए, यहाँ तक कि अगर आपको कुछ ना मिले ना, तो एक छोटा सा ट्रिक है कि आप कोल्ड ड्रिंक मंगा लें
और इसमें कोक जमा लें, थम्स अप जमा लें, आप पेप्सी जमा लें, आप माजा जमा लें, बड़ा टेस्टी लगेगा। आप इसको इसमें फ्रीज करें एंड देन उसके बाद मजे लें आपकी कोल्ड ड्रिंक वाली आइसक्रीम मिलती है ना मार्केट में, वो जो कोका कोला वाली आइसक्रीम आती है एंड वो मैंगो वाली आइसक्रीम आती है। तो बस आपको क्या करना है, आप कोल्ड ड्रिंक लाएं और इसमें फ्रीज कर दें और बच्चे बड़े खुश कि मम्मा ने घर पे आइसक्रीम बना के खिलाई। तो ये हाईली रिकमेंडेड है, ये भी मीशो से परचेज किया है, गुड क्वालिटी में, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यूजफुल आइटम की तरफ, विच इज दिस। दिस इज ब्यूटिफुल वुडन ट्रे और आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी ज्यादा अच्छी है। आपको मैं चारों तरफ से अच्छे से दिखा देती हूँ एंड दो तरफ आपको कुछ इस तरीके से हैंडल मिल जाता है एंड लुक एट द वाइब्रेंट प्रिंट, कितना ज्यादा ब्यूटिफुल है। और ये तो मेरी कुर्ती से मैचिंग कर रहा है, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, आज ही मैंने ये कुर्ती पहनी और आपको दिखा रही हूँ एंड इट्स लाइक मैचिंग मैचिंग ओके। तो ये वाली ना वुडन ट्रे बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी में है और आप देख सकते हैं एक शाइन यहाँ पे मिल जाती है, लुक एट दिस, एक शाइन यहाँ पे है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्रिंट्स आपको मिल जाते हैं, आपको जो भी प्रिंट पसंद आए आप ले सकते हैं। इसमें राउंड शेप में भी आता है, इसमें स्क्वायर शेप में भी आता है, इसमें रेक्टेंगुलर शेप में भी आता है। मुझे ये स्क्वायर वाली पसंद आई तो मैंने ये वाली ऑर्डर कर दी थी। आप चाहें तो राउंड में भी ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर में भी ले सकते हैं एंड बैक साइड से कुछ ये ऐसा है, ब्लैक पेंटेड है और वुड की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी। देख सकते हैं जब भी गेस्ट आए आप इतनी ब्यूटीफुल सी ट्रे में जब आप कोई भी चीज सर्व करेंगे ना, डेफिनेटली आई कैची है हर एक की नजर में, ये मतलब आएगा ही आएगा, आप लेके जाएंगे तो हर किसी को दिखेगा। ये ट्रे बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि मैं तो यूज ही कर रही हूँ ना, मुझे पता है क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, वेरी वेरी नाइस, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो जो नेक्स्ट आइटम है ना वो इतना ज्यादा यूजफुल है, इतना ज्यादा यूजफुल है, लाइक ये तो हर किसी के पास होना ही चाहिए, जब तक कि मेरे पास नहीं था आई वाज लाइक कि ये क्लीन कैसे होगा, वो क्लीन कैसे होगा, बट जब से मेरे पास ये है ना, नाउ आई एम सॉर्टेड एंड नॉट ओनली फॉर किचन, ये आप घर पर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, दिस इज CIF और ये एक CIF क्रीम है विद नेचुरल क्लीनिंग पार्टिकल्स। इसमें ना ये टफ डर्ट एंड किसी भी चीज को बहुत अच्छे से रिमूव करता है, इतनी बड़ी बॉटल है ये, इसमें आपको 500 ml मिल जाता है, 500 ml और इसकी प्राइस है ओके तो इसमें MRP डला हुआ है 275 rupees, बट इसको मैंने Amazon से परचेज किया था ओके तो इसमें MRP लिखा हुआ है 275 rupees, बट डेफिनेटली यू हैव नॉट टू पे दिस मच बिकॉज ये Amazon से मैंने परचेज किया था एंड Amazon में ना हमेशा ही ऑफर्स चलते हैं, कभी भी आपको MRP पे तो देना पड़ता ही नहीं है, ऑफर्स चलते हैं आप ऑफर्स में ही पे करते हैं ओके। सो दिस इज CIF क्रीम। अब मैं आपको इसकी यूजेज बताती हूँ। अगर आपके घर में स्विचेस, लाइक हम जब भी स्विच ऑन ऑफ करते हैं बहुत बार टच होता है तो स्विचेस ना डर्टी होने लगते हैं, ये है ना क्लीन हो जाएगा ठीक है। अगर आपका किचन काउंटर उसके ऊपर ऑयल जैसे एक्यूमुलेट होता है, ऑब्वियसली टाइल्स पर हो या फिर जार्स पर हो जाता है, जितने भी डब्बे बाहर रखे रहते हैं, जितने भी जार्स बाहर रखे रहते हैं तो उनके ऊपर एक आप देख सकते हैं एक ऑयल की सरफेस जम जाती है, तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं, आप अपने टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके बाथरूम्स की टैप्स या फिर आपके किचन की टैप्स या आप वॉश बेसिन की टैप्स जैसे थोड़े से रस्सी हो जाते हैं, थोड़े से उसको क्लीन कर सकते हैं। और आपके घर में कहीं पर भी कुछ भी डर्टी है, कुछ भी गंदा है, आप किसी भी आइटम को आप इससे क्लीन कर सकते हैं। नीज होती है ना आपके किचन में, तो आप उसके जो नेट होते हैं ना आप उसको भी इससे क्लीन कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज करना कैसे है। सिंपली जो भी एरिया आपको क्लीन करना है, सपोज अगर आपको वो चिमनी की वो नेट क्लीन करनी है, तो आप उस पे इसको ऐसे करके पोर करके आप इसको छोड़ दें, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें एंड देन उसके बाद जब आप इसको वॉश करने जाएंगे ना, तब इतना इजीली वो क्लीन हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये मैजिक हो रहा है। इट्स वेरी वेरी यूजफुल। तो ये तो बहुत ज्यादा, अब जब से मुझे ये मिल गया ना उसके बाद से आई एम सॉर्टेड। आई नो कि कोई भी चीज अगर गंदी हो रही है मैं लगा के बस इसको 2 मिनट के छोड़ दूंगी, कोई और काम करूंगी, आऊंगी क्लीन करूंगी एंड
यू आर सॉर्टेड, एकदम क्लीन हो जाएगा. तो दिस इज हाईली हाईली रिकमेंडेड. ये तो आपको लेना ही लेना है, ये आप जरूर लें और आप यूज करके देखें, आपको बहुत 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 ज्यादा पसंद आएगा. ये बढ़ते हैं अपनी सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड ये ना काफी काफी ज्यादा पुराने टाइम से चला आ रहा है, लाइक नानी दादी के टाइम से, उनके भी मम्मियों के टाइम से, लाइक हमारे नानी पड़नानी के टाइम से चला आ रहा है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं भूल गए थे. बिकॉज हमें है ना, हमें हर चीज मशीनरी में चाहिए, हर एक चीज मशीनरी में चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लाइक हमें जूसर भी ऐसा मिल जाए, मिक्सर भी ऐसा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए तो जितना इजी काम हो जाए. लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी एक चीज, लेट मी शो यू. सो दिस इज द थिंग जिसकी मैं बात कर रही थी. दिस इज वेरी वेरी हैवी, बहुत ज्यादा हैवी है. इसकी क्वालिटी अमेजिंग, और ये यहाँ का नहीं है, ये केरल से आया है. ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया है लेकिन ये केरल से आया है स्पेशल, बिकॉज यू नो कि केरल साइड में, साउथ साइड में हर एक चीज, हर एक मसाला जब वो खुद से कूटते हैं, खुद से पीसते हैं, उस उनके हर एक आइटम, हर एक फूड आइटम्स का टेस्ट ही अलग हो जाता है. तो इस तरीके का एक आपके पास होना चाहिए. और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये. सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी हैवी, बट ठीक है आपके लिए इतना तो बनता है. तो आप जब इसके थ्रू, ठीक है ये, और ये ना अंदर से बहुत अच्छे से इसमें कटिंग है, आप देख सकते, देख के कैसे ही पता लगेगा, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये अंदर से चिकना नहीं, अंदर से प्लेन नहीं है, आपको दिखेगा लाइक दिस, ठीक है. तो थोड़ा सा इसमें टेक्सचर दिया हुआ है, अंदर थोड़ा सा अंदर से टेक्सचर्ड है, सो दैट जो आपके मसाले हैं, जो भी आपकी चीजें, बहुत अच्छे से इसमें पिस जाएं. एंड आप देख सकते हैं ये इतना हैवी है कि जब आप इससे पीसेंगे ना, तो आपका मसाला, आपकी जो भी स्पाइसेस, जो भी आप पीसना चाहेंगे, बहुत अच्छे से पीसेगा. बट मैं एक चीज पहले बता दूं कि ये नहीं कि आप सोचें कि इससे बिल्कुल मिक्सर जैसा पिस जाएगा, ग्राइंडर जैसा पिस जाएगा, ऐसा नहीं होगा. बिकॉज आप समझ सकते हैं, इसे हम हाथ से करेंगे, हाथ से पीसेंगे, तो एक ग्राइंडर वाला इफेक्ट नहीं देगा कि एकदम थिन पेस्ट बन गया, एकदम पेस्ट की फॉर्म में हमें मिल जाएगी कोई भी चीज, वैसा नहीं होगा. बट इससे, ट्रस्ट में, इससे मसाला कूटने के बाद जो भी आपके खाने में जो फ्लेवर्स, जो टेस्ट आएगा ना, वो एकदम अनदर लेवल आएगा. वो ग्राइंडर वाला टेस्ट नहीं है. तो जब भी हम खड़े गर्म मसाले, दिस इज वेरी वेरी हैवी, तो जब भी हम खड़े गर्म मसाले, मैं जब भी छोले हो गए या फिर नॉनवेज हो गया, जब भी हम इस तरीके कोई आइटम बनाते हैं, मटर मशरूम हो गया, तो जब भी मुझे खड़े गरम मसाले डालने होते हैं ना, तो इसमें इस तरीके से कूट के और उसके बाद डालती हूँ, तो जो हल्का सा रह जाता है ना, लाइक क्रश होता है बट हल्का सा रह जाता है, उसका टेस्ट ही अलग है. और इसके अंदर आप जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिलीज, अनियंस, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कूट सकते हैं. बट अगेन मैं बता देती हूँ, ये ग्राइंडर वाला इफेक्ट नहीं देगा, एक ही दरदरा सा इफेक्ट देगा, विच विल मेक योर फूड लाइक अनदर लेवल. वो आपके खाने को ना एक अलग ही डिफरेंट टेस्ट देगा, आप एक बार करके देखना. तो ये ना पुराने जमाने से चला रहा है, ऐसे ही तो नहीं ना यूज करते थे पहले के लोग, तो इसका टेस्ट अलग ही आता है. जब तक मैंने यूज नहीं किया था मुझे नहीं पता था, बट वापस उठा लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए. क्वालिटी टॉप नॉच, टॉप नॉच, बहुत ज्यादा अमेजिंग है. एंड ये आपके किचन में होना चाहिए, बहुत सारी चीजों के लिए आपके किचन में होना चाहिए. तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ये जरूर परचेज करें, तो आपको पता लगेगा डिफरेंस ना, कि ग्राइंडर में पीसे हुए मसाले का टेस्ट, एंड इसमें जब आप जीरा, धनिया या कोई भी चीज कूटते हैं, गरम मसाला या फिर जिंजर गार्लिक, तो एक अलग ही टेस्ट आता है. जो दरदरापन आता है ना, उससे बहुत ही अलग टेस्ट आता है खाने का. तो ये भी हाईली रिकमेंडेड है. तो इतने सारे मैंने जो भी आपको प्रोडक्ट्स दिखाए, आई नो कि सारे ही यूजफुल किचन आइटम्स हैं. आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे. एक और आइटम है जो कि मैं उठा के यहाँ नहीं ला पाई हूँ, जो कि मेरे किचन में ही है एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो मैं आप लोगों को ले चलती हूँ अपने किचन में, और वो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कितना ज़्यादा यूजफुल है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है. तो अब मैं आप लोगों को वो प्रोडक्ट दिखा देती हूँ. सो गाइज, ये है वो प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं. एंड ये मैंने 3 शेल्फ वाला लिया है. आप चाहें तो इसमें 4 शेल्फ वाला भी आता है एंड 5 वाला भी आता है, बट मैंने 3 वाला लिया है. इसकी क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. ये असेंबल होके नहीं आएगा, आपको खुद से असेंबल करना पड़ेगा. ये साइड्स आपको मिल जाएंगी अलग से. ऑल्सो इसके नीचे व्हील्स दिए हुए हैं, तो आप इसको मूव भी करवा सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे नीचे कुछ इस तरीके से ग्लास बॉटल्स रख दी हैं यहाँ पर,
ठीक है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, काफ़ी इसमें आपको यहाँ पर ब्रॉड स्पेस मिल जाता है, तो आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्लास बॉटल्स रख दी हैं फर्स्ट लेयर पे, एंड सेकंड लेयर पे मैंने कुछ इस तरीके से ये बॉटल्स रख दी हैं। अगेन कॉलिन वगैरह यहीं पे मैं वो CIF भी रखती हूँ क्लीन करने का। एंड अगेन ये जो अपर पोर्शन है इसमें भी मैंने इस तरीके से बॉटल्स रख दी हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो, आज के ये यूजफुल आइटम्स पसंद आए होंगे, और आपको भी ये जो आज का वीडियो है, ये जो किचन आइटम्स हैं, वो हेल्पफुल लगे होंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, लाइक जरूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आप इनमें से कौन सी चीजें परचेज कर रहे हैं उनको भी जरूर कमेंट डाउन करें, मुझे बताएं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है। ऑल्सो इन सभी के परचेज लिंक्स एंड कोड्स वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, मेक अदर्स हैप्पी। बाय बाय।